नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रोलॉजी आरडी पर। आज फिर एक नए किसान से आपकी मुलाकात कराऊंगा और बहुत ही बेहतरीन किसान हैं और शौकीन किसान हम कह सकते हैं इन्हें। और जो है गांव कंडेला है, जिला शामली पड़ता है। और परिचय से शुरुआत करेंगे, अपना नाम बताइए श्रीमान। गजराज है मेरा नाम। गजराज, गाँव कंडेला है। आपने जो ये खेत लगा रखा गन्ने का, कौन सी वैरायटी है ये? तो 023 है, 38 ओ हाँ 15023। हाँ, किसान 15023 ये किसान ने लगा रखी है। और अभी जो खेत खड़ा है, इसकी बुआई कब हुई थी जी? फरवरी में पिछले साल। हाँ, फरवरी में इसकी बुआई होती साथियों। और अब आप मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या बढ़वार खेत की है और क्या इसकी जो ग्रोथ चल रही है कैसी है, मोटाई कैसी है, ऊंचाई कैसी है, लंबाई पे भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले पूछते हैं कि कुछ किसानों का मानना ये है कि जो 15023 वैरायटी है इसमें रोग कम आते हैं, क्या ऐसा है? अजी, हमें इतना ही समय लगा, मतलब रोग बराबर लग जाए, मतलब इतना ही रोग इसमें लगा है हमारे हिसाब से, और इतना ही रोग 38 में लगे। तो मतलब रोग के मामले में तो कोई फायदा हुआ नहीं जी, रोग के मामले में। अच्छा, जैसे कि आपने 38 बीज बो रखा, उस हिसाब से यदि मैं आपके अनुभव की बात करूं तो कौन सी वैरायटी बेस्ट है? तो 38 ही बढ़िया लगा जी, हिसाब से खड़ेगा क्या जी, के हिसाब से बढ़वार लंबाई मोटाई वगैरह के हिसाब से देखे तो 38 बढ़िया है किसान साथियों, किसान के अनुसार। रोगेर का पता लगा, नीले में वजन कौन सा ज्यादा दे। बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ जी, तो ऊंचाई की यदि बात करें, अगर मैं इसी मिड्ढे की बात करूं, कितना लगभग ऊंचाई इसकी होगी? मेरे हिसाब से होगी 15-16 फुट के आसपास, 25 समेत इसकी ऊंचाई होगी। जरा एक बार फोकस करो शुभम भाई, नीचे से ऊपर तक का फोकस कर लो कैमरे पे। हाँ, होगा 15 फुट पहले। तो साथियों, ये वैरायटी देखिए आप, 23 है, बहुत ही अच्छा है, बुरा नहीं कह सकते हम। ये इसका खूड है, खूड। अच्छा, आप ये बताइए इसकी जो खूड से खूड का जो गैप है वो कितने इंच का है? 3 फुट का जी। 3 फुट, यानी कि ट्रंच विधि से आपने बो रखा है ये। हाँ जी। तो साथियों देखिए एक बार, ये इसका खूड है और बहुत ही अच्छा खेत खड़ा है, बुरा नहीं कह सकते बिल्कुल भी। ये तुलना करेंगे हम इस खेत की 38 के साथ भी, क्योंकि 38 को हमारे यहाँ का किसान बदल रहा है उसकी बीमारियों के कारण। तो देखेंगे अभी 38 वाले में भी जाएंगे इन्होंने। आपने 0238 बो रखा है? हाँ जी। अच्छा, इसी के बराबर में ही है वो खेत? हाँ जी। हाँ, तो चलिए एक बार उसमें चलते हैं और देखते हैं क्या फ़र्क है दोनों वैरायटियों में। ठीक है जी। तो साथियों फिलहाल हम पहुँच चुके हैं 38 वाले कैरे में और मैं दिखाना चाहूँगा आपको 23 के मुकाबले 38 में क्या अंतर है। ये अंतर है जी, लगभग 18-19 फुट के आसपास इसकी लंबाई जा चुकी है गन्ने की। और अच्छा, आपने जैसे कि ये बो रखा है, दोनों में कौन सा बीज बेस्ट है? अड़तीस ही बोगे, मतलब आप 38 पसंद करते हैं, आप 38 वैरायटी को। तो साथियों ये अंतर है 38 का और 23 का, पिछली बार जो खूड था वो 23 का था और ये 38 का है। देखिए ग्रीनरी आज भी बहुत बढ़िया खेत में है, बहुत ही शानदार खेत खड़ा हुआ है। अच्छा, अभी तक आपने कोई स्प्रे वगैरह इसमें की शुरू से अब तक? स्प्रे तो इसमें बहुत कर दी और दवा ने काम नहीं किया आपका? अच्छा, दवाई ने काम नहीं किया। हाँ ठीक। तो साथियों हमारे यहाँ जो किसानों की राय है वो ये है कि 38 में रोग ज़्यादा आते हैं और वैरायटी के मुकाबले, लेकिन अभी हमने जो वीडियो में जिक्र किया और आपको दिखाया भी है कि उसकी तुलना 38 से की है हमने, 23 की तुलना 38 के साथ की है। तो इसमें आप भी अपना जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद भी कि वाकई कौन सी वैरायटी बेस्ट है। हालांकि दोनों कह रहे बो रखे हैं किसान ने, 23 वो है, 38 इस तरफ है। मैं भी यदि अपनी बात करूँ तो वो डाउन है 38 के मुकाबले 15023,
और बीमारी टॉपर उसमें भी लगा हुआ है फिलहाल, लेकिन इसमें कहीं टॉपर की अभी फिलहाल में कोई वो नहीं है, कोई इसमें रोग नहीं है, अभी बिल्कुल साफ एकदम बेहतरीन खेत खड़ा हुआ है। तो जो है किसान साथियों, यदि अच्छे से 38 वैरायटी के साथ 38 वैरायटी की यदि अच्छे से खेती कर ली जाए तो इससे बेस्ट बीज कोई नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है मतलब बहुत ही अच्छे से देख रेख अपनी रखते हुए खेती कीजिए, और 38 बीज बहुत बढ़िया बीज है, बस उसको थोड़ा ना सावधानी बरतने की जो आवश्यकता होती है और थोड़ी लागत अच्छी देनी होती है। और हमारे जो किसान हैं गजेंद्र जी, यदि इनका भी अनुभव आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।